हाय गाइस, ये मैं टिकट ले ली है कुआलालंपुर से बैंगसू जंक्शन। जैसा मैंने कल बताया था आप लोगों को कि यहाँ से मुझे जाना होगा एक स्टेशन और वहाँ से मुझे ट्रेन मिलेगी चेंग माई के लिए। तो आज का यही रहा कि मैं आराम से उठा, 11 बजे अपना नाश्ता वास्ता किया, वहीं ग्रेट हॉस्टल के कैफ़े में बैठ के आज मैंने वीडियो एडिटिंग किया, वीडियो पोस्ट कर दिए हैं। प्लीज़ गो चेक द चैनल, आप वहाँ जाइए, वीडियोस देखिए, वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, शुरू हो गया वीडियो पोस्ट, वहाँ पे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन। सो ये मैंने ले लिया है, सिर्फ 2 भाग की टिकट है। आपको ही चाहता हूँ, मैं अपने हॉस्टल से लुआलालंपुर जो ये स्टेशन है जहाँ मैं आया हूँ, मेट्रो से आया हूँ। सिर्फ 2 स्टॉप्स की दूरी पर है ये जगह क्रिट, मतलब अराउंड 2.5 किलोमीटर के आसपास है। और उसके लिए मैंने मेट्रो में कल भी और आज भी दोनों बार पेड किया था 19 बात, कल भी 19 बात, आज भी 19 बात। 19 भात की रुपीज़ में वैल्यू है 44 समथिंग, मतलब 45 रुपीज़ फॉर ओनली 2 मेट्रो स्टेशन। दिल्ली में इसके सिर्फ लगते हैं 10 रुपये, लेकिन यहाँ मेट्रो बहुत महंगी है यार, 40-45 रुपये कुछ लगता नहीं है। मेट्रो यहाँ पे होनी चाहिए 10 बात मिनिमम, आई थिंक मिनिमम रुपीज़ ही उसका जो है वो 19 बात का है। और यहाँ पे बस का मिनिमम है जो वो है 5 बात, नहीं आई थिंक 5 और 10 बात है, आई डोंट नो। सो तो और ये देखिए, हाँ ये टिकट, मैं वहाँ से आया 19 भात में और ये टिकट जिसके लिए मुझे जाना है 10 किलोमीटर के आसपास, और ये मुझे ले जाएगी थाईलैंड रेलवे की टिकट है, ये स्टेट रेलवे ऑफ थाईलैंड, इसकी टिकट मात्र 2 भात की है। 10 किलोमीटर की दूरी मैं स्टेट ऑफ रेलवे थाईलैंड से करने वाला हूँ सिर्फ 2 भात में। अंतर देख रहे हो, 10 किलोमीटर 2 भात में, 2 किलोमीटर 19 भात में, 19 भात में। और हाँ, सबसे बेस्ट चीज़ यार जो मुझे, मतलब क्या बताऊँ, जो मुझे आते में इम्प्रेस हो गया अभी स्टेशन पे, देखिए हमारे यहाँ जो स्टेशन जब लोग सफाई कर रहे होते हैं ना, तो लोग चल के जाते हैं, नहीं हमेशा चाहे वो साफ़ कर रहे हैं, लोग चल के जा रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए, पता है आपको, बैरिकेड कर रखा है, जब सफाई हो रही है तो उसको बैरिकेड कर दिया है। इट्स वेरी अमेजिंग नथिंग कि जब सफाई हो रही है ताकि इसके बीच में कोई जाए ही ना, बैरिकेशन लगा दिया यार, अमेजिंग यार, कमाल है। मतलब नहीं, ये चीज़ें ही कुछ ऐसी हैं जो मतलब किसी, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। और सफाई देखा जाए तो कोई छोटी चीज़ नहीं है यार, सफाई अगर हम सभी लोग करेंगे मिलके, आप मैं, तभी होगा। सरकारें नहीं करेंगे सफाई, सफाई कोई गवर्नमेंट नहीं करेगी, सफाई के लिए आपको, हमको, सबको मिलके साथ आना पड़ेगा, हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तभी हम सफाई कर सकते हैं। और ये एक मतलब जो ये इनिशिएट है, ये ऑफकोर्स किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएट है यार, कि जब हम कभी जिस फ्लोर पे हम सफाई कर रहे होंगे, हम उस फ्लोर पे बैरिकेड कर देंगे, और जब तक वो सूख जाता नहीं है, जो उसका वेट फ्लोर है वो जब तक ड्राई नहीं होता है, तब तक बैरिकेड हटाएंगे नहीं। और उसके बाद हम आगे जो फ्लोर है, जो बचा हुआ पोर्शन है फ्लोर का जो हम क्लीन कर रहे थे, फिर वहाँ बैरिकेड करेंगे, फिर वहाँ पर हम सफाई करेंगे। क्या चीज़ है यार, मतलब ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। तो ट्रेन तो ये 6:20 की है और टाइम हुआ है 5:40। और यार मुझे, मेरा ये था कि मैं ना वहाँ से खा के निकलूँगा केट हॉस्टल से, पर जैसे ही मैं ऑर्डर करने गया, एक्चुअली मुझे बज गया 5, मैं वीडियो एडिटिंग में इतना मगन था कि मैंने ध्यान नहीं दिया क्या टाइम हो गया। मैं भागते भागते आया यहाँ पर कि चलो यार, इसलिए आया भागते भागते कि जल्दी आ जाऊँगा तो कुछ खा लूँगा, तो सोच रहा हूँ कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि वहाँ तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि वहाँ जब मैंने उसको बोला तो बोले कि ऑर्डर्स क्लोज्ड।
तो अब मैं जाता हूँ, कुछ फटाफट अगर बाहर दिखता है तो खा लेता हूँ, अदरवाइज़ फिर अब क्योंकि देखो ट्रेन तो मेरी 8 बजे की है, ये मुझे छोड़ देगी 6:40 पे, तो वहाँ भाई आराम से 1.5 घंटा है, बट अब देखते हैं क्या होता है, जाता हूँ खा लेता हूँ। ठीक है, आइसक्रीम ली है 20 भात की, अब ये खाया जाएगा और बहुत सही है। पता है इसमें इसमें एक्चुअली एक वो नहीं है, क्या बोलते हैं क्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्कूप, ये एक स्कूप नहीं है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 क्यूब है यार, ज़बरदस्त है। ये जो आपको पीछे ट्रेन दिख रही है, यही ट्रेन जाएगी 6:20 पे, अभी 20 मिनट है। आइसक्रीम मैंने खा ली, आइसक्रीम लगी शुगर फ्री वाली यार, तो अब ये ट्रेन में जाके बैठ जाना है, जहाँ मेरे सीट वहाँ बैठ जाओ, ट्रेन पूरी खा ली है। ट्रेन बहुत मस्त है यार, देखो इसका कितना मस्त इंजन है भाई साहब, अमेजिंग यार, आइकॉनिक। डिज्नी वर्ल्ड याद आ गया, नहीं उसमें उस कॉमिक्स में कुछ ऐसी रहता है, नहीं ऐसी मस्त है। चलो अब कुछ फ़ोटो वोटो खींचता हूँ उसकी मैं, फॉर स्टोरी पर्पस ऑफ इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज RCTwisty, RCTWISTY, डू फॉलो मी, हाँ जाओ फॉलो करो भाई, करो यार, कर दो, नहीं करो, डू फॉलो मी। यहाँ पर ना स्पेस बहुत कम है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, यहाँ बहुत कम स्पेस है, इस वाले जगह पर बहुत स्पेस रहता है, वो यहाँ पे जब आप वॉक करोगे, जब आप यहाँ पर बैठोगे तो बहुत कम स्पेस है इसमें। मुझे लगता है कि जो जिस चीज़ में जाना है वो भी कुछ इसी तरह की होगी सीटिंग वाली, तो मैं यहाँ नीचे जगह होती है ना उस पर अपना बैग रख दूँगा सोच रहा हूँ, पता नहीं रात को शायद ठंड भी लगे तो पता नहीं। तो अब चलो बैठ गए हैं इस ट्रेन में, 7 वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, 7 डब्बे हैं बोगीज, तो 7 बोगीज़ की ट्रेन है और बहुत साफ़ सुथरी है, अच्छी कंडीशन में है,
और हमारे यहाँ तो सिटिंग में शायद कुछ कुछ ट्रेनों में, अब तो खैर जो नई ट्रेनें बन रही हैं उसमें आया, लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ देम देखा है कि हमारे यहाँ सेकंड सिटिंग में ना वो फोम देते नहीं हैं, वो लकड़ी का पट्टा जो होता है ना, पट्टा उसका बनाया होता है। तो इसमें तो प्रॉपर फोम है, ये देखो हैंड रेस्टर भी है, ग्लास भी है। सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ स्लीपर में भी अब दे रहे हैं ग्लास, मतलब लेकिन ग्लास देखिए, ग्लास भी है तो अच्छा है, बढ़िया है। अब आज की रात ट्रेन में काटेंगे और कल चेंग माई में करेंगे। मैंने हॉस्टल बुक कर लिया है, पेमेंट पेड है और वहाँ पे ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, इसलिए मैंने वो हॉस्टल बुक किया है। तो ये एक बेनिफिट है। चेंग माई एकदम गांव वाला इलाका है, तो अब हम शहर से गांव जा रहे हैं, तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी बैंकॉक से गांव। भाई उतर गया मैं ट्रेन से, पतला सा एकदम पतला सा प्लेटफॉर्म है, पता नहीं। अब ये भी चक्कर लग रहा है कि मैं एक्चुअली मैं पूछ के उतरा किसी से ये स्टॉप है कि नहीं, अब मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि वो स्टॉप है कि नहीं, ये नहीं कहाँ लिखा हुआ है। तो मैं चेक करता हूँ गूगल, आई थिंक मुझे लग रहा है शायद वो स्टेशन स्टेशन शायद वही स्टेशन है, चलो पता करता हूँ। ओके ये है आई थिंक स्टेशन, मैंने पता किया लोगों से ज़्यादा कि ये वाला है, तो अब चलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बाहर से यार, काफ़ी मस्त है। क्या स्टेशन है यार, मतलब सही लग रहा है कि यार एयरपोर्ट है यार, मस्त है, मस्त एसी है भाई साहब। बाहर इतने मच्छर काट रहे थे, मस्त एसी है, लिखा है कि 13 नंबर की बस जाएगी गेट नंबर 20 से, और बहुत ही बढ़िया है यार, मतलब क्या स्पेस बनाया आप देखो। जबरदस्त है यार, मज़ा आ गया। चलो उधर आंटी है, उसे पूछते हैं गेट नंबर बी के लिए। जबरदस्त है यार, मतलब क्या बात बोलूं। ट्रेन नंबर 13 चंग माई, थैंक यू, गेट नंबर बी। आंटी जी ने बोला ओ ये ओ ये, मैं बोला ये 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 ये, गेट नंबर बी से जाने का है अपने को।
SRT स्टेट रेलवे ऑफ थाईलैंड, द फुल फॉर्म ऑफ SRT। तुम जिस ट्रेन से आया वो भी SRT थी और जिससे जा रहा हूँ वो भी SRT है। SRT नॉट SRK SRT। वो दूर आपको दिख रहा होगा डिपार्चर गेट नंबर B। चलो ये है डिपार्चर गेट नंबर B, इधर से बुलाना। मैंने देखा था वो SRT ट्रेन जिसमें मैं आया उसमें अलग से ना कोटा है मंक्स के लिए, भिक्षुओं के लिए, बहुत भिक्षु जो होते हैं ना उनके लिए, मतलब वहाँ पर ना ऐसा डोई आया हुआ था, बोला था रिजर्व फॉर मंक्स। अमेजिंग है ये गेट नंबर B। ये दिस इज गेट नंबर B। चलो चलते हैं गेट नंबर B पे। फुल ईयर वाइब है ना, लाइक एयरपोर्ट, अच्छे बढ़िया सा वो चार्जिंग का है, सब कुछ मस्त है यार, जैसे एयरपोर्ट पे होता है सीटिंग, एकदम वैसी मस्त सीटिंग है यार, बहुत ज़बरदस्त है, अमेजिंग है, मज़ा है। जैसे एयरपोर्ट भी होता है गेट बना रखा था, गेट बना होता है गेट ABCD, ऐसे यहाँ पर डिपार्चिंग गेट दिया हुआ है, सेम सेटअप वैसा ही है, देखो ऐसे बैरिकेड किया हुआ है, ज़बरदस्त है यार, मतलब मज़ा आ गया। चलो हम भी बैठते हैं और क्या, नहीं कुछ खाने को देता हूँ यार, शायद यहाँ से कुछ खाने लगे। यस प्लीज़ मेरे प्रॉब्लम, मैंने एक कप नूडल लिया है, ग्रीन करी चिकन नूडल, और वो 25 बात का है, वो बना रही हैं, बढ़िया है ना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि आपको कप नूडल देंगे तो बोलेंगे बना के देंगे, 25 बात का है वो उसको बना के देंगी हॉट वाटर के साथ, इट्स वेरी गुड थिंग। ไม่ได้นะได้จ้าไปเลยโอเคโอเค Let's step with this. Yes. Yep. थैंक यू भाई, 25 भात वापस मिल गए। और ये है अपना नूडल और गेट की लगी है लाइन। बोर्डिंग शुरू हो गई है, मैं भी चलता हूँ बोर्ड करने के लिए, लाइन लगाता हूँ। मेरा कोच है कार नंबर 6 एंड सीट नंबर 61। तो चलो फिर बोर्ड करते हैं। अरे वो मेरी ट्रेन की बोर्डिंग नहीं थी, मैं गया तो बोले कि नेक्स्ट ट्रेन है, यू जस्ट हैव वेट हेयर एंड देन आपको बोर्ड करना होगा। तो अच्छा है भाई, बढ़िया है, थोड़ा टाइम है मेरे पास, ये थोड़ा खा लेता हूँ, नहीं इसको कैसा है, चलो लेट्स हैव टेस्ट। एक चीज़ साफ हो गई कि ग्रीन करी चिकन का फ्लेवर का जो कुछ भी आइटम है थाईलैंड में वो स्पाइसी है, वो बढ़िया है, वो मस्त। अगर आप नॉनवेज खाते हो और अगर आप थाईलैंड आते हो तो वो अगर आप खाओगे तो आपको एक संतुष्टि मिलेगी। मैंने खाया, मज़ा आया। गेट नंबर B से एक ट्रेन है रैपिड 139 जो जाएगी यूबोन रत्तच, अब हाई में आ गया जब मैं लगा पढ़ने, हाँ तो वो वहाँ जाएगी 139 जो हमारे यहाँ रेलवे का इंक्वायरी नंबर होता है, यहाँ पे ट्रेन नंबर है 139।
इसका डिपार्चर टाइम है 1925 और बोर्ड पे, वहाँ बोर्ड पे ये आपको दिखा रहा है वो, और यहाँ यहाँ मैनुअली भी एक बोर्ड लगा रखा है स्पेशल कि 139 की बोर्डिंग हो रही है, बोर्डिंग टाइम 1925 है और अभी 1920 ऑलरेडी हो गया है। इसी गेट से, गेट नंबर 20 से हमारी भी एंट्री होगी, आई थिंक वही प्लेटफॉर्म रहेगा, प्लेटफॉर्म 1, इसीलिए हमको बोला हुआ है कि इस ट्रेन के बाद हमारी ट्रेन है। अब देखो उधर आ रहा है डिस्प्ले पे रैपिड 139 यूपोन रत चट्ठानी जाएगी वो ट्रेन। फाइनल कॉल, फाइनल बोर्डिंग कॉल है, फाइनल डिपार्चर कॉल है, भैया आके फटाफट बैठ जाओ। और ये चिल्ला भी ऐसे, वो होता ना एयरपोर्ट पे बोलता है ऐसे, बोल भी रहा है, भैया हो गया टाइम। और एयरपोर्ट वाली भाई, भाई साहब एयरपोर्ट ही है, ऐसा ही सिस्टम ला रखा है। देखो यार, टूरिज़्म अगर किसी कंट्री में बढ़िया से बूस्ट करेगा ना, तो गवर्नमेंट भी उसी अकॉर्डिंग सब कुछ बनाएगी। पता नहीं चल, मैं गलत बोल दिया, सर उल्टा बोल दिया, पता नहीं, बट मुझे लगता है कि ये सब इसलिए इतना अच्छा है क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा टूरिज़्म है। अगर टूरिज़्म इतना अच्छा नहीं होता तो मेरे ख्याल से शायद इतना ये अच्छा भी नहीं होता। बढ़िया चीज़ है। लेफ्ट, जो इसमें QR कोड है ना वो स्कैन होता है, वो स्कैन हो गया और उसके अकॉर्डिंग को पता है कि हमारा मतलब कौन किस तरफ होता है। मेरी मतलब जैसे कार नंबर 6 है तो वो शायद इस वे है, तो और लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग वो बोल देते हैं आपको कहाँ जाना है। तो चलो लिखा है 3, बट वो मुझे लगा शायद ट्रेन जैसे हमारे यहाँ लिखा था ना S1, S2, B1, B2, B3, यहाँ ऐसा नहीं है। इस 3 का कोई मतलब नहीं है, इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है बोर्ड जैसे हमारा होता है ना जो बाथरूम लगाते हैं साफ करते वक्त ऐसा, तो ऐसा यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कार नंबर 6। तो ट्रेन की, ट्रेन पे बोर्ड करने से पहले वो लोग लिख देते हैं, वो लोग ये मतलब करते हैं अरेंजमेंट, ऐसा डाल देते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग जाते हैं। तो मेरा तो है भाई कार नंबर 6 और सीट नंबर 61, तो चलते हैं अंदर कार नंबर में। मैं जिस ट्रेन में आया वैसी ही ट्रेन है, सब कुछ वैसी है। जिस ट्रेन में हम यहाँ आए ना SRT से फ्रॉम बैंकॉक टू हेयर बैंक स्विंग स्टेशन, जैसा मुझे लगा था कि सेकंड सीटिंग ऐसा ही रहेगा, सेम सेकंड सीटिंग ऐसा ही है, लेकिन इसका जो तरीका है, जो वे ऑफ क्या बोलेंगे उसको, इनका जो तरीका है ट्रेन में बोर्ड कराने का, वो जबरदस्त है।
चेंग माई सिर्फ जा रहे हैं फॉरनर बहुत, मेरे ख्याल से 100 में से सिर्फ 10 लोग लोकल्स हैं जो लोग जा रहे हैं चेंग माई, बाकी सारे के सारे फॉरनर्स हैं। और मुझे लगा था यार कि सब आई थिंक ट्रेन में सब लोग होंगे स्लीपर में, स्लीपर भर गया, स्लीपर में लोग होंगे या एसी में होंगे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि सेकंड सीट में बहुत सारे लोग हैं जो फॉरनर्स हैं। मुझे लगा शायद बहुत कम होंगे, कोई जाता नहीं होगा सेकंड सीटिंग से, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, मजबूरी में सब लोग जा रहे हैं जैसे मैं जा रहा हूँ। अब 7 दिन कौन वेट करेगा यार। चलो फिर अब बैठ गए हैं, अब देखते हमारे साथ में कौन आएगा। सामने 2 सीट हैं, बगल में 1 सीट है, अब देखते कोई आता नहीं आता, अदरवाइज फोन तो मीटर है ही। बाय बाय। अब ऐसे ही बैठ के ठीक है पूरी रात जाना पड़ेगा भाई। सुबह पहुँचूँगा मैं करीब 8:40 के आसपास, लेट वेट हुई तो हो जाएगा पता नहीं, चेकिंग टाइम मेरा 2 बजे का है और उससे पहले मुझे मिलेगा नहीं। वैसे मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ है अनसिंग का हॉस्टल में, उन्होंने कहा है कि एज़ पर अवेलेबिलिटी, हर कोई यही बोलता है, अब देखते हैं अवेलेबिलिटी उनके पास है कि नहीं। ओके एकदम नेक टू नेक 8:05, देखो घड़ी में टाइम आएगा अभी। ले चली एकदम 8:05 की चली और रुक गई, हमारे अभी ऐसा होता है। अच्छा है टाइम पे चली, अच्छा शायद इंजन इंजन लगा होगा, इंजन चिपका होगा, लेट पता नहीं होगी नहीं होगी। मुझे लगता है कि लेट नहीं होगी क्योंकि ना इस रूट पर टोटल 4-5 ट्रेनें हैं जो जाती हैं चेंग माई, उनमें से बहुत सी ट्रेनें हैं जो फास्ट चलती हैं मतलब एक्सप्रेस टाइप की, ये भी स्पेशल ट्रेन है और स्पेशल ट्रेनें थोड़ी लेट होती हैं इंडिया में, ये भी ज़्यादा यहाँ भी लेट होगी और अच्छा टाइम ज़्यादा भी है तो मैट भी लेट देखते हैं। हम जब नॉर्थ में आ गए हैं ना, इतना दिल्ली है यार, कितना दिल्ली है।